नमस्कार दोस्तों लैंड लॉस के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सनत इस टॉपिक के लिए आपको एम 1966 का एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखना होगा एम के किसी भी आंसर के लिए आपको ये कॉमन इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी आप इस कॉमन इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के एक्ट के शेड्यूल सी के अंदर आपको सनद का फॉर्मेट मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एमएलआरसी 1966 के एक्ट का लिंक दे दूंगा फिलहाल आप इसे देख लेना शेड्यूल सी के अंदर सनद है ये सेक्शन 129 और सेक्शन 130 के लिए इशू किया जाता है अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है फिलहाल इस स्लाइड को मैं रीड आउट कर देता हूं सनद इज एन अथॉरिटी लेटर इश्यूड इन राइटिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट अ पर्सन टू होल्ड अ लैंड फॉर पर्टिकुलर पर्पस और टू कंफर्म हिज ऑक्युपेंसी और पोजिशन ऑन दैट पीस ऑफ लैंड सनद इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑक्यूपेंट और होल्डर सनद इज इशूड बाय द रेवेन्यू कलेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट सनद इज इशूड वेन लैंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चरलिटेड फॉर वन नॉन एग्रीकल्चरल फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चरल सिचुएटेडसाइड द जूरिस्डिक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी देन ऑल्सो सनद इज इशूड इसका मतलब सनत जो है वो एक अथॉरिटी लेटर है यह इश्यू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस अथॉरिटी लेटर के अंदर यह सर्टिफाई किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एक इंसान ने होल्ड किया है उस इंसान को उस जमीन के ऊपर कुछ चीजें करने की परमिशन है क्या क्या चीजें करने की परमिशन है यह भी सनद के अंदर दिया जाता है और सनद ये एक प्राइमा फेसी प्रूफ होता है ये हमें बताता है कि जिस इंसान को सनद इशू किया गया है वो इंसान उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को प्राइमा फेसी पोजिशन में है मतलब वो इंसान उस जमीन के प्राइमा फेसी पोजिशन के अंदर है यह सनत सर्टिफाई करता है सनत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और उस ऑक्यूपेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है जो रेवेन्यू कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि बनकर इशू करता है सनत कब इशू किया जाता है आपने सेक्शन 44 फोर के अंदर देखा होगा कि अगर आपकी ज़मीन एग्रीकल्चरल है और अगर आपको उसे नॉन एग्रीकल्चरल करना है तो सेक्शन 44 के अंदर जितनी भी प्रोसीजर है वो पूरी करने के बाद सारी प्रोसीजर पूरी होने के बाद एक सनद इशू किया जाता है ये इशू करता है रेवेन्यू कलेक्टर यह हमें बताता है कि एक जमीन है इसके ऊपर आप कब्जेदार हो आपको ये जमीन पहले एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए मिली थी अब आपने उसे नॉन एग्रीकल्चरल करवा दिया है अब उसका जो लैंड रेवेन्यू है वो इतने से बढ़कर इतना हो गया है आपको हमें सालाना इतना लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा इस जमीन के ऊपर अब आप ये ये चीजें कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सन्नत का इसके बाद में लैंड परमिटेड फॉर वन नॉन एग्रीकल्चरल परपज इज यूज फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज यानी अगर आपके पास एक नॉन एग्रीकल्चरल जमीन है और सन्नत के हिसाब से आपको ऑफिसेस या फिर कमर्शियल गाले लगाने की परमिशन है लेकिन अगर आप उस जमीन के ऊपर एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी महानगर पालिका नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत की परमिशन लगेगी और एक सनद इशू और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की परमिशन लगेगी ये सारी परमिशन मिलने के बाद एक सनद इशू की जाएगी उसके अंदर भी लिखा होगा कि ये जमीन है इस जमीन के कब्जेदार आप हो जमीन के लैंड रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम है ये जमीन पहले इस परपजेस के लिए आपको मिली थी आपने इसे इस परपजेस के लिए चेंज करवा दिया अब इसका जो लैंड रेवेन्यू है वो इससे बढ़कर इतना हो गया और आप इस जमीन के ऊपर यही एक्टिविटीज कर सकते हैं ये इशू किया जाएगा सनत के अंदर या फिर द लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड द जूरिस्डिक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी मतलब महाड़ा सिडको एम एम आर डी ए या फिर और दूसरी कई टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर का अगर लैंड होगा तो लैंड संविधान के हिसाब से चूंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट आपको सनत इशू करेगी एज अ प्रूफ ऑफ प्राइमा फेसी पोजेशन ऑफ द लैंड मतलब उस जमीन के प्राइमा फेसी कब्जेदार आप हो इसका प्रूफ स्टेट गवर्नमेंट आपको इशू करेगी इन द फॉर्म ऑफ सनत आशा करता हूं आपको इस स्लाइड का मतलब समझ में आया होगा अभी हम लोग आगे देखते हैं सनद इज द फर्स्ट प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पजेशन ऑफ द लैंड मैं बार बार कह रहा हूं पजेशन ऑफ द लैंड आप कब्जेदार हो आप मालिक नहीं हो सनद यह बताता है कि आप उस जमीन के कब्जे में हो अगर आपको मालिकाना हक प्रूव करना है तो लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर आपका नाम रहना जरूरी है लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या सात बारह आठ बारह आठ अ मालमत्ता पत्रक इन सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम रहना जरूरी है और इसके बाद में ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सनद नॉट डिसाइड द टाइटल ऑफ द लैंड टाइटल इज ये दो चीजें आपको जरूर लिखनी है और आपको कंफ्यूजन करने के लिए एम आ सकते हैं कि सनद इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ डैश ऑफ द लैंड इसके अंदर आपको पोजेशन दिया जाएगा ओनरशिप दी जाएगी बोध दिया जाएगा या फिर नन ऑफ द ब दिया जाएगा तो आपको सिर्फ पोजेशन याद रखना है सनत डज नॉट डिसाइड योर ओनरशिप सनत फी जो है वो एक रुपया है पर कॉपी इसके ऊपर भी कभी कभी एमसीक्यू आते हैं याद रखना कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड रिकॉर्ड ऑफिस इसे भी आप याद रखना अब कंटेंट ऑफ सनत सबसे पहले तो कंटेंट ऑफ सनत क्या है नेम ऑफ द ऑफिस इशूइंग द सनत जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रेवेन्यू कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि इस हिसाब से सनद इशू करता है यानी सनत के ऊपर पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का सिंबल होगा उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्टर यानी आप जिस भी इलाके में सिचुएटेड है वहाँ के रेवेन्यू कलेक्टर के ऑफिस का नाम होगा उसके बाद में डेट तो होगी ही यानी इसके बाद में रेवेन्यू विलेज आप जहाँ पर भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस भी तालुके के अंदर सिचुएटेड हो वहाँ पर अलग अलग डिविजन्स होते हैं और उन्हें रेवेन्यू विलेज कहा जाता है तो रेवेन्यू विलेज का नाम होगा इसके बाद में नेम ऑफ द पर्सन टू हुम सनद इज इशूड मतलब इमेजिन करिए एक जमीन है जिसके लिए मिस्टर ए ने सनद इशू करवानी है सारी प्रोसीजर मिस्टर ने कंप्लीट कर दी अब सनद इशू होना बाकी है तो सनद के ऊपर मिस्टर ए का नाम लिखा जाएगा क्योंकि मिस्टर ए को हम लोग सनद इशू कर रहे हैं तो नेम ऑफ द पर्सन टू हुम सनद इज बीइंग इशूड इसके बाद में डिटेल ऑफ द लैंड ऑब्वियसली मतलब सर्वे नंबर हिस्सा नंबर सी नंबर आदि जो लैंड की चीज़ें होती है उनकी भी डिटेल दी जाएगी इसके बाद में मराठी में इसे कहते हैं चतुसीमा यानी लैंड की बाउंड्रीज और डायमेंशंस इसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसके बाद में डिटेल्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेएबल यानी गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू जमीन महसूल इसे कहते हैं आम भाषा में आप इसे अगर समझ सकते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स पहले कितना था कन्वर्जन होने के बाद कितना है इसकी भी डिटेल आपको सनत के अंदर मिलेगी इसके बाद में और पीरियड ऑफ ऑक्यूपेंसी यह भी आपको मिलेगा पर्पज ऑफ इशूइंग सनत जैसा अभी आपने देखा सेक्शन 44 के अंदर एग्रीकल्चरल लाइन को नॉन एग्रीकल्चरल करने के लिए भी आपने सारी प्रोसीजर करने के बाद सनद निकाला तो सनद के अंदर प्रोसी मतलब जिस पर्पस के लिए सनद इशू किया है उसका भी नाम जरूर होगा इसके बाद में यानी उस जमीन को आपको किन rules and regulation के के हिसाब से करना है, इनकी भी डिटेल में information सनत के अंदर होगी और लास्ट में सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर यानी जिस भी रेवेन्यू विलेज के अंदर आपका लैंड सिचुएटेड है उस इलाके के रेवेन्यू कलेक्टर का साइन और स्टैंप ये होगा सनत का कंटेंट ये पूरी चीजें आप याद रखना कई कई तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं डेट रेवेन्यू विलेज नेम ऑफ द पर्सन डिटेल ऑफ द लैंड सर्वे नंबर हिस्सा नंबर ये तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं सिर्फ अगर आपने इतना भी लिखा तो आपको जितना भी आपने लिखा है उसका आधा मार्क मिल जाएगा आशा करता हूं आपको सनत का कंटेंट समझ में आया होगा दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल